हेलो फ्रेंड्स, मैं रागनी और आज हम सीखेंगे ब्लाउज का बहुत ही फैंसी बैक नेक डिजाइन। तो फ्रेंड्स देखिए, सिल्क साड़ी का डिजाइन है। यहाँ पर जो भी ब्लाउज का जो बैक का बॉर्डर आता है उसको हम कट करके साइड में कर लेंगे और उसके बाद से अपने साइज के हिसाब से ब्लाउज की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हम शोल्डर 5.5 इंच लिए हैं, आर्म होल की लंबाई 6 इंच में 2 पॉइंट कम लिए हैं। इसी तरह से आपको अपने साइज के हिसाब से ब्लाउज को कट कर लेना है। ब्लाउज का टोटल लंबाई यहाँ पे 15 इंच लिए हैं। सीने का चौथाई भाग 9.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, ऊपर के साइड से गले की चौड़ाई 2.5 इंच ले लेंगे। गला का लंबाई यहाँ पर मैं 11 इंच ले रही हूँ। आप अपने पसंद के हिसाब से गले की लंबाई को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नीचे से भी गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच ही ले लेंगे और इस तरह से एक बॉक्स रेडी करेंगे। बॉक्स को रेडी करने के बाद से इसमें देखिए, शेप देने के लिए ऊपर से 8 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे और 1 इंच 2 पॉइंट बाहर के साइड चौड़ाई को बढ़ा लेंगे। नीचे से हम 1 इंच 2 पॉइंट पे एक मार्किंग कर लिए हैं और इस तरह से देखिए, राउंड शेप देते हुए हम मिला लेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं गले में शेप दे रही हूँ, सेम आइडिया से आपको भी देना है। इस लाइन को हम नीचे तक लाएंगे ताकि पेस्टिंग में भी हमें इतना लंबा पेस्टिंग कट करना है। गला तो हमारा ऊपर वाला जो 1 इंच 2 पॉइंट पे मार्किंग किए थे वही रहेगा। अब यहाँ पे पेस्टिंग पेपर लेंगे और पेस्टिंग पेपर के ऊपर जो हम गले की मार्किंग ब्लाउज के ऊपर किए थे उसको यहाँ पर बहुत ही इजली इसके ऊपर डार्क कर लेंगे। पेस्टिंग पेपर पतला होता है, बहुत ईजली मार्किंग दिखता है, आप उस पर डार्क कर लें। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं मार्किंग कर ली हूँ और अब 1 1 इंच बाहर के साइड एक और मार्किंग कर लेंगे पेस्टिंग में मार्जिन के लिए। आपको एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, बाहर वाली जो मार्किंग है बिल्कुल बराबर से करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको हम कट कर लेंगे तो अंदर वाला जो मार्किंग है उसी पर हम गले को कट कर रहे हैं और इस गले को नीचे तक नहीं कट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ, यहीं तक हम कट करेंगे। ये जो बाहर वाली मार्किंग है उसमें हमें पेस्टिंग को नीचे तक कट करना है। यहां से इसको बराबर कर लेंगे और अब हम इसको बॉर्डर के ऊपर पेस्ट करेंगे। तो उसके लिए देखिए, बॉर्डर को बीच से कट करेंगे और इस तरह से कट करने के बाद से दोनों का सीधा साइड मिलाते हुए इसको सेंटर से स्टिच कर लेंगे। सेंटर से स्टिच करने के बाद से देखिए, नाखून से हल्का प्रेस करके इसके ऊपर हम पेस्टिंग को पेस्ट कर लिए हैं। प्रेस से वाला पेस्टिंग वाला पार्ट जो है कपड़े के ऊपर पेस्ट हो जाता है। अब आपको बिल्कुल उसके बराबर से कपड़े को कट कर लेना है। इसमें कुछ भी हम एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे बाहर के साइड, बिल्कुल बराबर से कट कर लेना है। और अब यहाँ पर हम बैक पार्ट को पहले रेडी करेंगे, पेस्टिंग वाले पार्ट को साइड में रख देंगे और यहाँ पर हम 1/2 इंच जो मार्जिन लिए थे उसी मार्जिन को दबाते हुए हम बैक पार्ट को स्टिच कर रहे हैं। इसी तरह से आपको हाथ से हल्का सा फिनिशिंग देते हुए अस्तर को मेन कपड़े से ज्वाइंट करके पूरे कॉर्नर पर सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर देखिए, सिलाई लगा करके हम दोनों पार्ट को आपस में ज्वाइंट कर लिए हैं। इसके बाद देखिए, अस्तर के बाहर जो भी एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है मेन कपड़े में का, उसको कट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे ब्लाउज को डबल फोल्ड करके इसकी सेंटर मार्किंग करेंगे। उल्टे साइड आपको सेंटर मार्किंग करना है, ये चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। बीच में आपको दोनों साइड छोटा छोटा कट लगा देना है और अब हम इसको करेंगे सीधा। सीधा करने के बाद से देखिए फ्रेंड्स, पेस्टिंग वाले पार्ट में भी आपको सेंटर मार्किंग करना है और ब्लाउज के उल्टे साइड से हम गले को अटैच करेंगे। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है क्योंकि ये जो डिज़ाइन वाला पार्ट है इसको हमें सीधे साइड फोल्ड करना है। अगर ये डिज़ाइन नहीं रहता तो हम सीधे साइड से अटैच करके उल्टे साइड पट्टी को फोल्ड करते। सिलाई आपकी जो पेस्टिंग के ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए, बिल्कुल पेस्टिंग को चिपकाते हुए आपको सिलाई लगानी है। अब देखिए फ्रेंड्स, सिलाई के बाद आपको एक चाप कपड़ा छोड़ देना है। बाकी कपड़े को देखिए किस तरह से मैं कट करके निकाल दे रही हूँ, सेम आइडिया से आपको भी कट कर लेना है।
अब जहाँ जहाँ अभी कोना है वहाँ पर हम छोटा छोटा कट लगाएंगे। इस तरह से आप कट लगा दें ताकि पट्टी फोल्ड करने में हमें आसानी हो। हल्का सा नाखून से प्रेस करते हुए पट्टी को हम सीधे साइड फोल्ड कर लिए हैं। इसके ऊपर प्रेस लगा दें कि प्रेस लगाने के बाद से अच्छे से पट्टी सेट हो जाती है। अब सबसे पहले हम गले के किनारे पर सिलाई लगाएंगे ताकि पट्टी हमारा इधर उधर ना खिसके सेट करते टाइम। यहाँ पर आपको हाथ से अच्छे से फिनिशिंग देते जाना है। जहाँ भी कॉर्नर है वहाँ पर सुई को रोक करके आपको कपड़े को घुमाना है। और इस तरह से अब देखिए बाहर की साइड भी एक सिलाई लगा करके इसको हम अच्छे से सेट कर लेंगे। यानी आपको दोनों साइड सिलाई लगा करके पहले इसको सेट कर लेना है, उसके बाद से इसके ऊपर हम लेस अटैच करेंगे। अब देखिए दूसरे साइड से भी हम सिलाई लगाएंगे और इस साइड का भी अच्छे से सेट कर लेंगे पट्टी को। इसके बाद से फ्रेंड्स देखिए लेस को लेंगे और इसके ऊपर हम लेस अटैच करेंगे, क्योंकि जो बाहर वाला साइड है इसका पैक नहीं है, उभरा हुआ साइड है, उसके ऊपर हम लेस लगा देंगे तो ये अच्छे से डेकोरेट भी हो जाएगा, लुक भी अच्छा इसका आ जाएगा और जो बाहर के साइड हमारा उभरा हुआ भाग है वो अच्छे से ढक भी जाएगा। यहाँ पे देखिए लेस को कट करेंगे और लेस के ऊपर आप डबल सिलाई ज़रूर लगाएं, क्योंकि जो किनारा है उसको हमें अच्छे से सेट करना है, पैक करना है। एक साइड हमारा लेस लग चुका है, सेम आइडिया से हम दूसरे साइड भी लेस को सेट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर कॉर्नर पर आपको रोकते हुए लेस को घुमाना है। दोनों साइड लेस पर डबल सिलाई लगा देंगे और यहाँ पर देखिए हमारा डिज़ाइन लगभग कंप्लीट हो चुका है। और अब हम यहाँ पे बैक में टक्स लगाएंगे। तो बैक में टक्स हम नॉर्मल ब्लाउज में जिस तरह से लगाते हैं सेम आइडिया से हमको लगा लेना है। दोनों साइड टक्स लगाने के बाद से अब इसमें हम कमर पट्टी ज्वाइंट करेंगे नीचे के साइड, जो तुरपाई वाली पट्टी होती है। यहाँ पे 1.5 इंच चौड़ी पट्टी लिए हैं और इसको हम सीधे साइड से स्टिच करके उल्टे साइड फोल्ड करते हैं। अब देखिए पट्टी को बाहर के साइड करेंगे और पट्टी के ऊपर एक कच्ची सिलाई लगाएंगे और इसे कच्ची सिलाई से ही अंदर के साइड फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे, क्योंकि तुरपाई लगाने के बाद से हम इस सिलाई को निकाल देते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम कपड़े का बटन बनाएंगे। उसके लिए स्क्वायर में 1 इंच 2 पॉइंट लंबाई चौड़ाई में कपड़े को कट किए हैं और पूरे किनारे से कपड़े को फोल्ड करके बीच में हम बटन को रखेंगे। ब्लाउज के बटन से ही मैं आपको बहुत ही फैंसी बटन बनाना बताऊंगी। और अब देखिए आपको सुई धागे के मदद से सिंपली करना क्या है, पूरी साइड के कपड़े को बिल्कुल सेंटर में खींचना है चारों तरफ से। और चारों तरफ से आप खींचेंगे तो इसमें ऑटोमेटिक गोलाई का शेप आ जाएगा और आपका बटन बन के रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरह इसमें पूरे जहाँ भी आपको कोना दिखे वहाँ पर सेट कर लेना है। इसी तरह से हम 3 बटन बना के रेडी कर लिए हैं और इसके बिल्कुल बीचों बीच में बटन को टक कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बटन आप जब भी टक करें 4 से 5 बार उसको रिपीट कर लें ताकि पहनने के बाद से खुले ना। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स एक बटन हमारा लग चुका है और सेम आइडिया से हम तीनों बटन को सेट कर लेंगे। बटन लगाने के बाद से हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब हम डोरी अटैच करेंगे। तो उसके लिए फैब्रिक लटकन रेडी कर रहे हैं और रेडीमेड लटकन यहाँ पर हम लगा रहे हैं, सॉरी रेडीमेड डोरी लगा रहे हैं। आप चाहें तो कपड़े का भी डोरी बना सकते हैं। इसी तरह से दोनों साइड फैब्रिक लटकन अटैच कर लेंगे और फैब्रिक लटकन अटैच करने के बाद से अब हम 3 इंच नीचे के साइड डोरी को टक करेंगे, क्योंकि ऊपर की साइड शोल्डर ज्वाइंट में भी हमारा 1/2 इंच कपड़ा जाएगा।
दोनों साइड देखिए डोरी को हम अटैच कर लिए हैं और फाइनल लुक आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर